एवरीवन, सीडीएस का सोल्यूशन कर रहे हैं बेटा। 2019 का जो एक क्वेश्चन पेपर था मैथ्स का, इसको हम लोग टॉपिक वाइज सॉल्व कर रहे हैं और हम आज स्टार्ट करेंगे परसेंटेज। ठीक है, परसेंटेज का साइन जिन जिन क्वेश्चंस में आपको मिलेगा वो सारे क्वेश्चंस हम लोग कवर करेंगे आज। ठीक है, कुछ अराउंड 9 क्वेश्चंस आपके इस बार आए हैं सीडीएस में, 9 क्वेश्चंस। और वो कौन कौन से चैप्टर है, एक तो परसेंटेज इटसेल्फ, और उसके अलावा आपको प्रॉफिट एंड लॉस के भी कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे, बहुत इजी क्वेश्चंस आए हैं। उसके अलावा सीआई एंड एसआई, कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट। उसके अलावा मेंसुरेशन, एरिया पैरामीटर एंड ऑल, उसमें भी आपको परसेंटेज में पूछा गया, तो मैं मेंसुरेशन लिख लेता हूँ। ठीक है, मेंसुरेशन। उसके अलावा कुछ सेट्स के भी क्वेश्चंस है, एक सेट का क्वेश्चन आया लास्ट ईयर भी आया था। ठीक है, सेट्स के कुछ सवाल है बहुत इजी, तो चलो स्टार्ट करते हैं बेटा। पहला सवाल ये सेट ए से मैं आप लोगों को करवा रहा हूँ। ठीक है, सेट ए के क्वेश्चंस हैं, तो क्वेश्चन नंबर 10 सेट ए में है। ठीक है, तो आप चेक कर लेना, आपके पास जो भी सेट है आप सीधा क्वेश्चन चेक करना, जहां पर भी परसेंटेज का साइन दिखेगा वो मैं क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ। पहला क्वेश्चन क्या है, हॉस्टल में आपको रेंट पर रूम दिया है एंड क्या कहा है कि इट इज इंक्रीज बाय 20%, और नंबर ऑफ रूम्स को भी उसने 20% बढ़ा दिया है, और वो कह रहा है कि हॉस्टल हमेशा फुल है। आपसे क्या निकालना है, व्हाट इज द परसेंटेज चेंज इन द टोटल कलेक्शन एट द कैश काउंटर। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, अच्छा हमेशा याद रखना परसेंटेज के सवाल में आप लोग अपनी मर्जी से कोई भी वैल्यू ले सकते हो बेटा, लेकिन हम ज्यादातर 100 लेते हैं, क्योंकि 100 का परसेंटेज इक्विवेलेंट उसकी वैल्यू के बराबर होता है। फॉर एग्जाम्पल 100 का 13% कितना होगा 13, 20% कितना होगा 20, 50% 50, 70% 70। तो इसलिए 100 में जो भी परसेंटेज हम निकालते हैं वो उसकी वैल्यू के बराबर आता है। अगर मैं फॉर एग्जांपल अगर मैं लूँ 150, अगर मैं बोलूँ 150 का 17% कितना होता है, तो फिर आपको सोचना पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए भी टेक वैल्यू 100 हमारे लिए सिंपल हो जाता है। अच्छा इस क्वेश्चन में क्या है, अच्छा इस क्वेश्चन में आपसे कहा है रेंट पर रूम इज इंक्रीज, तो रेंट पर रूम पहले हमें कुछ तो लेना पड़ेगा बढ़ाने से पहले, तो मैं अपनी मर्जी से यहाँ पर और एक बहुत ईजी वैल्यू लूंगा रेंट पर रूम में ले लेता हूँ। सपोज रेंट पर रूम है 100 रुपीज। ठीक है, 100 को ले रहा हूँ, अभी मैंने आपको बता दिया। अच्छा उसके बाद आपको क्या दिया है, उसके बाद आपको दिया है रूम्स इन द हॉस्टल। ठीक है, तो रूम्स यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं, रूम्स में कितना लूंगा मैं, सपोज 100 रूम्स है, 100 रूम्स। ठीक है, 100 रूम्स, तो इसको मैं आर बना लेता हूँ, 100 रूम्स। ओके, अच्छा अब बाय द वे अगर 100 रूम्स हैं और एक रूम का रेंट अगर 100 रुपीज है, तो यहाँ पर कितना कैश कलेक्शन होगा, यहाँ पर मैं कलेक्शन भी लिख लेता हूँ, कितना कलेक्शन होगा यहाँ पर आप खुद ही कैलकुलेट कर सकते हो। एक रुपये सिंपल यूनिटरी मेथड है बेटा, 100 × 100 करोगे गेट 10,000, तो 10,000 रुपीज आपको मिल रहे थे क्योंकि 100 रूम्स थे और एक रूम का रेंट 100 रुपीज है। अब ये क्या कह रहा है, अभी कह रहा है कि नाउ द रेंट पर रूम इज इंक्रीज टू 20%, तो मैं पहले 20% इंक्रीज करता हूँ, इंक्रीज बोथ मतलब रेंट और रूम्स बाय 20%, बढ़ा दिया मैंने 20%, तो मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ बेटा, नाउ आई डोंट हैव टू डू एनी कैलकुलेशन, मैं डायरेक्टली क्या लिख सकता हूँ कि रेंट पर रूम कितना हो जाएगा 120 ना, 100 रुपीज था, 100 का 20% इज 20, 20 ऐड कर दो इट विल बी 120 रुपीज, तो अब कितना रेंट हो चुका है 120 रुपीज, और रूम्स कितने हो चुके हैं, अब क्योंकि रूम्स भी 20% बढ़ चुके हैं, रूम्स भी 120 रूम्स हो चुके हैं, देखो कितना ईजी 120 रूम्स हो चुके हैं। अच्छा अब कलेक्शन कितना होगा, अब कलेक्शन कितना होगा, जो मैंने 20% रूम को भी बढ़ा दिया और रेंट भी बढ़ा दिया, 120 × 120। ठीक है, क्योंकि क्योंकि एक रूम का 120 रुपीज हो गया, तो 120 रूम्स का 120 × 120 दैट विल बी 12 × 12 = 144, दैट विल बी 14,400 रुपीज। अब आपको ये बताना है कि मेरे आंसर में कितना परसेंटेज चेंज आया है, ये आंसर मतलब कलेक्शन में। तो अब देखना बेटा, एक बड़ी अच्छी चीज कर रहा हूँ मैं आप लोगों के सामने, तो मेरे पास कितना है 14,400। ठीक है, और मेरे पास ओरिजिनल कितना था, पहले कलेक्शन था मेरे पास 10,000, सो 10,000 वाज द ओरिजिनल कलेक्शन, वो कलेक्शन बढ़ के मेरे पास अब हो चुका है 14,400। तो मेरा कलेक्शन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है घट रहा है, बढ़ रहा है, तो ये वैल्यू कितनी इंक्रीज हो रही है, दैट यू हैव टू कैलकुलेट इन परसेंटेज। सो आई हैव वन फॉर्मूला, बहुत अच्छा फॉर्मूला है, इंक्रीजिंग परसेंटेज, थोड़ा सा शॉर्ट लिख रहा हूँ मैं, इंक्रीजिंग परसेंटेज इज इक्वल टू इंक्रीज्ड वैल्यू, इतना आपको मालूम होना चाहिए, जिसकी जिसका भी हम लोग परसेंटेज निकालते हैं इसकी वैल्यू आपके पास होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें किसी मार्क्स का परसेंटेज निकालना है तो हमारे पास मार्क्स तो होने चाहिए, उसी तरीके से अगर हम इंक्रीज वैल्यू का परसेंटेज निकाल रहे हैं तो हमारे पास इंक्रीज वैल्यू होनी चाहिए। अच्छा अभी फॉर्मूला क्या है, अगर न्यूमरेटर में इंक्रीज वैल्यू तो नीचे क्या आएगी, स्मॉलर वैल्यू, ये तो एक फ्रैक्शन आ गया, समथिंग अपॉन समथिंग इंटू 100 करूंगा आई विल गेट इन परसेंटेज। ठीक है, ये अच्छा फॉर्मूला है, इसको ध्यान में रखना बेटा।
बहुत ही इंपॉर्टेंट, देखना कितने क्वेश्चंस बहुत इजीली। अभी मैं एक पेंसुलेशन वाला क्वेश्चन भी से करूंगा। इंक्रीज्ड वैल्यू, कितना पैसा बढ़ गया मेरे पास 10,000 से 14,400 हो गया, तो कितना बढ़ गया 4,400 बढ़ गया। और अच्छा, दोनों में से स्मॉलर वैल्यू क्या है बेटा, 14,400 या 10,000? 10,000 क्या है, स्मॉलर वैल्यू है। इफ आई डू इनटू 100 आई विल गेट माय आंसर, सो सिंपल। ठीक है, तो काट लो भैया, ऊपर 40 है और नीचे भी 40 है, काट लो, आंसर इतना आ गया 44%। लो, इतना सिंपल सवाल। ठीक है, 44% आ गया, तो आंसर कितना होगा, 44% इज द राइट आंसर। ठीक है, मैं आराम से समझा रहा हूँ, इसलिए टाइम ज़्यादा लग रहा है, नहीं तो ये 15 to 20 seconds लगेंगे एक सवाल को करने में। चलो, लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्स वाई जेड आर थ्री नंबर्स, ठीक हो गया। एक्स इज 30% ऑफ जेड, वाई इज 40% ऑफ जेड, एक्स इज 3% ऑफ वाई, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी। इतना आसान है, इसका मतलब आपको जो भी क्वेश्चन में दिया उसको मैथमेटिकली लिख डालो। कैसे लिखोगे, अरे इतना आसान है बेटा, x इज 30% ऑफ z को कैसे लिखते हैं, x इज मतलब इक्वल टू 30%, परसेंट को फ्रैक्शन में 30/100, ऑफ मतलब इनटू z, मैंने लिख डाला इसको किसमें, मैथमेटिकली। वैसे ही दूसरा वाला क्या दिया है, y इज इक्वल टू 40% ऑफ z, मतलब 40/100 इनटू z, ये भी मैंने लिख डाला। अच्छा, मुझसे पूछा क्या है, इसको मैं रेड में लिख लेता हूँ। मुझसे पूछा गया है, x इज इक्वल टू p परसेंट ऑफ y। ये भी मुझे दिया है, पूछा तो नहीं, ये मुझे दिया है, और मुझे यहीं से क्या निकालना है, आई हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ p। तो कहीं ना कहीं मुझे x और y के बीच में कुछ ना कुछ रिलेशन चाहिए। वो रिलेशन कहाँ से आएगा मेरे पास, ये जो मैंने ब्लू से लिखा है दो इक्वेशंस, यहाँ से आएगा। अच्छा, अगर मैं यहाँ से z की वैल्यू निकालूँ, सपोज इफ आई कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ z, यहाँ से z कितना जाएगा, z विल बी इज इक्वल टू 100y अपॉन 40। z इज इक्वल टू 100y, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया है। और अगर उसी z की वैल्यू मैं यहाँ रखूँ, यहाँ सपोज, तो यहाँ कितना जाएगा, x इज इक्वल टू 30/100 इंटू z, z इज हाउ मच 100y/40। अरे 100 से 100 कैंसिल हो रहा है, कर लिया, और एक जीरो से जीरो काट लो, तो x कितना आ गया, यहाँ से x आ गया मेरा 3/4y। बस इसको उठाकर यहाँ पटक दो इस इक्वेशन पे, तो यहाँ से क्या आ जाएगा बेटा, यहाँ से आ जाएगा x इज इक्वल टू p%। अच्छा, x की वैल्यू तो मैंने रखी नहीं, तो मैं x इज इक्वल टू ना करते हुए x की वैल्यू मैं रख लेता हूँ। ठीक है, डायरेक्टली मैं यहाँ रख रहा हूँ 3/4y इज इक्वल टू p%, मतलब p/100 ऑफ y इंटू y। बस इतना ईजी, y विल गेट कैंसिल। अच्छा, 4 25 times and p will be 25 into 3, p will be equal to 75, so easy, 15 to 20 seconds, फिर से d is the right answer। अगले सवाल पे जाते हैं, बहुत सिंपल सवाल हैं सारे परसेंटेज के। अगला सवाल क्या है, an article is sold, अरे यार ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस आना चाहिए। ठीक है, बहुत आसान सवाल है, आपसे क्या कह रहा है, अगर आर्टिकल को मैं 6% गेन में बेचूंगा, 6% लॉस के बजाय, तो मुझे 6 रुपये ज़्यादा मिलेंगे। अरे यार, SP ज़्यादा आ रहा है, तो आप पहले SP निकालो ना, कैसे निकालोगे, लेकिन आपको CP बेटा कुछ ना कुछ लेना पड़ेगा, क्योंकि आपको अल्टीमेटली CP ही निकालना है। अच्छा, यू कांट टेक 100 ना CP, नहीं तो आंसर क्या जाएगा आपका, आपको CP तो निकालना है, आप CP 100 होगा ले सकते हैं, लेट CP इज इक्वल टू 100, सो आंसर विल बी 100 है। ठीक है, तो आपको CP X लेना पड़ेगा। परसेंटेज के क्वेश्चंस में हम लोग सीपी की वैल्यू 100 लेते हैं, जब हमें कुछ गेन परसेंट ऐसी चीज़ें निकालनी हो। मैंने कहा ना, एक बात कही थी मैंने, परसेंटेज के केस में यू कैन टेक एनी वैल्यू, बट वी टेक 100 ताकि कैलकुलेशन ईजी हो। तो सीपी को एक्स ले लो, आपने सीपी एक्स ले लिया, तो पहले केस में क्या है, आपको अगर गेन हो रहा है, कितना हो रहा है गेन, 6% का गेन हो रहा है, तो यहाँ से SP आ जाएगा, कितना जाएगा, SP इज अ फंक्शन ऑफ CP, 6% का मतलब है 100 + 6 करोगे 106 आ जाएगा अपॉन 100। और अगर दूसरे केस में गेन कितना है, सॉरी गेन नहीं, लॉस है भाई दूसरे केस में, ठीक है, लॉस कितना है 6%, तो यहाँ पर क्या करोगे, अगेन SP इज अ फंक्शन ऑफ CP। अच्छा, लॉस 6% लॉस का मतलब क्या है, 100 - L करोगे कितना जाएगा 94/100, कितना इजी। अच्छा, अब आपको क्या करना है, कुछ नहीं, अब आपको क्वेश्चन में दिया है कि ये जो SP आया है, इस SP से कितना ज्यादा है, 6 ज्यादा है, तो दोनों का डिफरेंस करूंगा 6 आएगा। जैसे 16 और 10 में क्या डिफरेंस है कि 16 10 से 6 ज्यादा है, तो 16 - 10 करूंगा, आई गेट 6, तो वैसे ये SP कितना ज्यादा है, 6 ज्यादा है। अच्छा, CP की जगह X रख लेता हूँ, तो ये 106X हो गया अपॉन 100 हो गया, माइनस इस वाले SP को कर लूंगा 94
कितना एक्स अपॉन 100 कर लूंगा इज इक्वल टू कितना आना चाहिए, 6 आना चाहिए। ठीक है, बस इसको सॉल्व करना, मैं विल फाइंड एक्स, वो सीधी आ जाएगा। तो एलसीएम तो सेम है, तो 106x माइनस 94x कितना जाएगा, ये जो 100 आ गया ऊपर आ गया 12, 12x इज इक्वल टू 6। और इतनी इजी कैलकुलेशन, तो 12x इज इक्वल टू 6 इनटू 100, बच्चों को अच्छे अच्छे एक एक स्टेप बता रहा हूँ मैं, 6 इनटू 100 अपॉन 12, हाँ बस काट डालो, 6 टू जा 12 एंड 2 50 टाइम्स, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 50, तो सीटी कितना आ गया 50, तो आंसर क्या आ गया डी। अरे डी तो हमने लिखा नहीं यहाँ पर, ये लिख दिया डी, सो आंसर इज डी, वेरी सिंपल। चलो लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट वन। अगला सवाल क्या है, इन एन एग्जामिनेशन 52% कैंडिडेट्स फेल्ड इन इंग्लिश, 42 मैथमेटिक्स, 17 फेल्ड इन बोथ द सब्जेक्ट्स, व्हाट परसेंटेज पास इन बोथ द सब्जेक्ट। बेटा सेट का सवाल है, ठीक है, सेट्स भी आने चाहिए। देखो परसेंटेज एज अ टूल हर चैप्टर में यूज होता है, और इतना आसान सवाल है। देखो ये मैंने बना दिया कि यूनिवर्सल सेट कैसे बनाते हैं हम, रेक्टेंगुलर बॉक्स से, और ये बनाया मैंने एक सेट ये और एक सेट ये तो इंग्लिश वाला सेट है, ई लिखूंगा मतलब इंग्लिश में कितने फेल हैं, और ये मैथ्स में फेल वाला सेट है, और ये जो पूरा है ये बच्चों को रिप्रेजेंट कर रहा है, टोटल बच्चे कितने हैं 100% इन टर्म्स ऑफ, मैं परसेंट शो करूंगा आपको, टोटल बच्चे कितने 100%। ठीक है, अच्छा ये जो पूरा सेट है इसमें कितने पार्ट है बेटा, ध्यान से देखना। देखो मैं आपको अलग अलग पार्ट बताता हूँ, ये रेड वाला पार्ट है, ठीक है, एक पार्ट ये हो गया, एक पार्ट में येलो करके दिखाता हूँ आपको, ठीक है, ये दूसरा पार्ट हो गया, और तीसरा पार्ट मैं आपको दिखाता हूँ ग्रीन से, ठीक है। तो ये तीन पार्ट आपको अलग अलग लिखने हैं बेटा, दिस थ्री पार्ट यू हैव टू राइट सेपरेटली, हर सेट के सवाल का यही फंडा होना चाहिए आपका, यू हैव टू राइट ईच सेक्शन या ईच पार्ट सेपरेटली। तो मैं यहाँ देखना, अभी 52% क्या है बेटा, ये पूरे इंग्लिश वाला है, दे फील्ड इन इंग्लिश, इस पूरे इंग्लिश में तो इसमें दो पार्ट आना है, कैन नॉट राइट 52 हियर, अगर मैं 52 यहाँ लिखूंगा तो ये मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं इस 17% को लिखूंगा, क्योंकि 17% इन बोथ द सब्जेक्ट्स का मतलब है कि इंग्लिश और मैथ्स में जो कॉमन पोर्शन है दैट इज 17 गिवन टू मी, तो उसको मैं सीधा लिख सकता हूँ कितना 17, आई कैन राइट 17 हियर, सी अच्छा मैं ब्लैक से लिखता हूँ, ठीक है 17 में लिख लेता हूँ आप लोगों को, यहाँ सी आई एम राइटिंग हियर 17, 1717, क्लियर। अच्छा अगर ये 17 आ चुका है, अब आपको पता है टोटल इंग्लिश तो 52 है, 52 में से 17 यहाँ कर लो, तो यहाँ कितना जाएगा 35 आएगा, ठीक है, और यहाँ पर मैथ्स वाले पोर्शन में टोटल मैथ्स में कितने फेल है 42 में से 17 यहाँ, तो यहाँ कितना आएगा आई थिंक 25। बस अब क्या करना है आपको, आपको निकालने, अब ये तो फेल वाले बच्चे में, पास वाले कौन से होंगे, पास वाले ये होंगे, देखो मैं आपको ये दिखाता हूँ ब्लैक कलर से, पास वाले ये होंगे, ये बाहर ये जो रिमेनिंग है 100% में से, अगर ये जो दो सेट्स है इनको आप माइनस कर लोगे तो यू विल गेट, ये वाले कौन से हैं, ये वाले हैं पास्ट इन बोथ सब्जेक्ट्स, इन बोथ सब्जेक्ट्स, तो बहुत ही इजी है यार, कैसे करोगे इसमें, मैं फॉर्मूला कोई लगा नहीं रहा हूँ कि सेट का, लेकिन मुझे इतना पता है कि अगर मैं 100% में से क्या माइनस कर दूँ, ये अंदर वाला कितना है 35, 17 और 25, एक फॉर्मूला भी है, लेकिन मैं आपको वेन डायग्राम से इस क्वेश्चन को सॉल्व करा रहा हूँ। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला बहुत ईजी है, आपने फॉर्मूला लिखा हुआ, मैं यहाँ पर फॉर्मूला लिख रहा हूँ, लेकिन ठीक है, अगर एन ऑफ इंग्लिश यूनियन आप क्या निकालोगे मैथ्स, सो दैट विल बी एन ऑफ ई, ठीक है, प्लस एन ऑफ एम माइनस एन ऑफ ई इंटरसेक्शन एम, ठीक है ओके। चलो हम लोग यहीं से कर लेते हैं, 100 माइनस अंदर, अंदर को ऐड करो 35 और 25 विल बी हाउ मच 60 और 17 कितना 77, 100 माइनस 77, आपने इस पूरे 100 में से जो पूरा रेक्टेंगुलर बॉक्स है अंदर वाला हटा दिया आपने, 35 17 25 हटा दिया, योर आंसर विल बी 23%। ये देखो कितना आसान सवाल, अगले सवाल पे कूद पड़ते हैं फटाफट से। चलो सीडीएस के बच्चों बहुत इजी है बेटा एग्जाम क्वालिफाई करना, लेकिन क्वेश्चंस पहले आपको छांटने आने चाहिए, ऐसे नहीं कि पहले क्वेश्चन में आप टपक जाओ तो थोड़ा सा मुश्किल लगेगा आपको। तो यू हैव टू फर्स्ट स्कैन द क्वेश्चन पेपर, यू हैव टू फाइंड आउट कौन कौन से इजी वाले हैं, वो मैं पहले करूंगा। अच्छा ये कंपाउंड इंटरेस्ट का सवाल है, इसमें भी 40% आया, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें क्या कह रहा है आपसे, व्हाट इज द लीस्ट नंबर ऑफ कंप्लीट ईयर्स इन विच अ सम ऑफ मनी पुट आउट एट 40% एनुअल कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट आपको एनुअली दिया है, इसका मतलब एक जो पीरियड होगा वो वन ईयर का होगा, ठीक है, एक पीरियड जिसको मैं एन बोलता हूँ दैट विल बी वन ईयर, ठीक है, पीरियड और
और टाइम में बहुत डिफरेंस है बेटा। चलो मैं आपको डिटेल कंपाउंड इंटरेस्ट में पढ़ाऊंगा। तो आपको क्या निकालना है, यहाँ पर एन निकालना है। आपको ये फॉर्मूला तो आता ही होगा, ए इज इक्वल टू पी वन प्लस आर अपॉन 100 की पावर एन, ना ये फॉर्मूला तो आपको आता ही होगा। तो इसी फॉर्मूले के बेसिस पे आपसे क्या कह रहा है, अगर मैं सपोज अगर मैं 100 रुपीज बैंक में डालू सपोज, तो 100 रुपीज मेरे कितने होने चाहिए, इट विल बी मोर देन ट्रिपल, मतलब आपके 300 से ज्यादा। तो मैं 300 ले रहा हूँ, मिनिमम 300 ले रहा हूँ कि आपके 100 रुपीज 300 हो गए आपने बैंक में डाले। बैंक वाला कंपाउंड इंटरेस्ट का रेट कितना दे रहा है आपको, 40%, तो आर कितना दे रहा है, 40%, ना कितने टाइम में वो कह रहा है, इट विल बी द लीस्ट नंबर ऑफ कंप्लीट ईयर्स, तो दिस यू हैव टू फाइंड। और जितना टाइम क्या होगा, टाइम विल बी इक्वल टू एन, ठीक है। ईयरली में क्या होता है, अगर 1 ईयर दिया तो एन विल बी 1, टाइम 2 ईयर दिया है तो एन विल बी 2, ठीक है, दिस यू हैव टू रिमेंबर। तो यहाँ तो बहुत ईजी हो जाएगा बेटा, ठीक है। अगर आप यहाँ पर वैल्यूज पुट करते हो, सी अगर मैं पुट करता हूँ, अच्छा एक चीज़ और बहुत इंपॉर्टेंट है, जो पैसा हम लोग बैंक में डालते हैं, सपोज 100 रुपीज़ डाली, इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल, इसे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, और जो हमारा इंटरेस्ट ऐड होता है, सीआई बीच में ऐड होगा, और तो हमारा इंटरेस्ट ऐड होकर क्या बनता है, अमाउंट। तो यहाँ से देखो फॉर्मूला भी आ गया, पी प्लस सीआई ऑटोमेटिकली इज इक्वल टू अमाउंट, ठीक है। तो ये 100 रुपीज़ क्या है हमारा प्रिंसिपल, और ये क्या है 300 अमाउंट है। तो आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि भैया 300 जो मेरा अमाउंट है, जब मैं इसको राइट हैंड साइड वाले को सॉल्व करूंगा तो इससे ज्यादा आना चाहिए, ग्रेटर देन कितना आना चाहिए, पी कितना है 100, 1 प्लस आर कितना है 40 अपॉन 100 पावर एन, ये ज्यादा आना चाहिए ऐसा कह रहा है। कुछ नहीं यार, ऑप्शंस रखो, फटाफट निकालो, अगर आप बी ऑप्शन रखोगे यू विल गेट योर आंसर, ठीक है। मैं बी ऑप्शन डायरेक्टली रखता हूँ, कितना आएगा यहाँ पर 100 इंटू दिस विल कम 140, अच्छा मैं 0 से 0 काट लेता हूँ, तो एलसीएम विल बी 10, ठीक है। तो 10 + 4 = 14 बाई 10 की पावर कितनी 4, n की जगह मैं क्या रख रहा हूँ 4 रख रहा हूँ, ठीक है। तो इंटू 14 अपॉन 10 इंटू 14 अपॉन 10 4 टाइम्स होगा इंटू 14 अपॉन 10। अच्छा अगर आप n इज इक्वल टू यहाँ पर 3 रखते हैं तो आपकी वैल्यू 300 से कम आती, लेकिन वो क्या बोल रहा है कि वो 300 से ज़्यादा, मतलब ट्रिपल जो है उससे ज़्यादा होना चाहिए। इसको इफ यू सॉल्व काट लो भैया, 20 से 20 आपने काट ले, तो 14 × 14 × 14 × 14 4 टाइम्स आपको करना है। अच्छा यहाँ पर 14 × 14 फटाफट कर लेते हैं, 4 × 4 = 16 कैरी 1 × 4 = 4 = 5 = 56। अच्छा यहाँ पर 14 आ गया, कितना आ गया 196, अच्छा 196 × 196 कर लेते हैं, यू विल गेट योर आंसर, 6 × 6 = 36 कैरी 3, अच्छा 9 × 6 = 54 54 × 3 = 57 कैरी 5, 6 × 6 एंड 5 विल बी हाउ मच 11 इंटू 9 से करो, 9 × 6 = 54 कैरी 5, 9 × 9 = 81 81 × 5 86 × 6 कैरी 8, 9 × 9 = 9 9 और 8 17 दो बार, ठीक है। और यहाँ पे कितना जाएगा 196, इसको ऐड कर लो बस, 6 11 कैरी 1, 6 7 8 8 और 6 14 कैरी 1, 9 10 17 18 कैरी 1, तो कितना आ रहा यहाँ लिख लेता हूँ 3 8 4 1 6 ऐसा कुछ आ रहा ना, 3 8 4 1 6 अपॉन 100 आ रहा है, 2 0 तो पॉइंट लगाना है आपने, तो 384.16 आ रहा है आपका ना, ये राइट हैंड साइड 384.16 आ रहा है, तो मतलब 300 से ज़्यादा आ रहा है, ट्रिपल से ज़्यादा। तो मिनिमम वैल्यू क्या होनी चाहिए, 4, लीस्ट नंबर ऑफ कंप्लीट ईयर्स बोल रहा है, तो 4 विल बी योर राइट आंसर। आप 5 रखोगे यू विल गेट मोर देन 384, आप अगर 3 रखोगे तो यू विल गेट लेस देन कितना 300 से कम आएगा। आप वैल्यू रख के देखना, उसमें उस केस में क्या हो जाएगा 14 × 14 × 14, ठीक है, ये लास्ट वाला नहीं आएगा, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन रख के करो, यू विल फाइंड योर आंसर। और अगला सवाल पे मेरा अगला सवाल क्या है, अगला सवाल है इन अ रेक्टेंगल लेंथ इज 3 टाइम्स। हमेशा याद रखना ऐसे जब भी सवाल आएंगे ना कि लेंथ 3 गुना हो चुकी है ब्रेथ से, या उसकी एज इतनी बढ़ चुकी है, यार बढ़ना घटाना बाद की चीज़ें हैं, पहले आपको कुछ ना कुछ ओरिजिनल वैल्यूज चाहिए होती हैं अपने पास, ठीक है। तो आप एक रेक्टेंगल ले लो ना, क्या दिक्कत है। और एक चीज़ और, इसमें भी अगेन परसेंटेज का सवाल है, देखो ऑप्शंस आपको सारे परसेंटेज में देंगे, यू कैन टेक एनी वैल्यू यार, कुछ भी लो आप अपनी मर्जी से, यू कैन टेक एनी वैल्यू, ठीक है। आप रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेथ कुछ भी ले लो अपनी मर्जी से, आपका आंसर बहुत इजीली आ जाएगा, ठीक है। तो मैं एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेता हूँ आप लोग के लिए फटाफट से, फटाफट से रेक्टेंगल मैंने बना लिया, ठीक हो गया। चलो लग तो नहीं रहा रेक्टेंगल जैसा, लेकिन बच्चे समझ जाएंगे मेरे। अच्छा तो इसमें क्या है, लेंथ है, लेंथ इज 3 टाइम्स इट्स ब्रेथ, आप कुछ भी ले सकते हो, आप एक्स 3x लेकर भी कर सकते हो, मैं तो चाहता हूँ वैल्यू लो आप। सपोज इफ यू टेक 50, सपोज आपने 50 क्या ले ली, विड्थ ले ली या ब्रेथ ले ली, तो लेंथ 3 टाइम्स होगी इसकी, 3 टाइम्स कितनी लगेगी 150, क्या बोलते हो, ठीक है, सही है। अच्छा इफ द लेंथ एंड द ब्रेथ
अच्छा इस केस में अब आपसे क्या बोल रहा है, पेरीमीटर। अच्छा यहाँ पर पेरीमीटर कितना आएगा इसका, एल प्लस बी हाउ मच, यहाँ पर पेरीमीटर, पेरीमीटर कितना होता है रेक्टेंगल का, पेरीमीटर, पेरीमीटर होता है 2l plus b, तो 2 into l plus b, l plus b कितना जाएगा 200, तो हो गया 400, कुशक। अच्छा अब दूसरे केस में क्या बोल रहा है, अब आपने क्या करना है, रेक्टेंगल को आपने ऐसे बनाया, थोड़ा सा बड़ा बना तो नहीं, चलो कोई बात नहीं, रेक्टेंगल के अब आपने क्या करना है, लेंथ को, लेंथ को आपने बनाना है 30% और ब्रेथ को आपने बनाना है 10%। देखो परसेंटेज का क्वेश्चन है और कुछ नहीं, तो अगर अगर आपने लेंथ को 30% बढ़ा दिया, तो लेंथ को 30% कैसे बढ़ाओगे, पहले इसका 30% निकालोगे, 30% निकाल के उसको ऐड करोगे, इट विल बी हाउ मच, ठीक है, एक वो भी तरीका है, नहीं तो डायरेक्टली एक तरीका कितना है क्या है, ऐसे भी बढ़ा सकते हो। अच्छा व्हाट व्हाट विल बी द 30%, इसका 30% विल बी हाउ मच, इसका 30% विल बी 45, और इफ यू ऐड 45 इट विल कम हाउ मच, इट विल कम 195, तो न्यू लेंथ विल बी 195, यू कैन टेक एनी वैल्यू, ठीक है, अगर आपको इसमें टफ लग रहा है यू कैन टेक एनी वैल्यू। अच्छा और 10%, इसका 10% कितना होता है 5, और वो आप बढ़ाओगे तो इट विल बिकम 55, ठीक है। 30% हमने लेंथ का बढ़ाया, लेंथ कितनी थी 150 थी, हमने वैल्यूज लेकर करा, क्योंकि वैल्यूज लेके परसेंटेज निकालना इजी होता है बेटा, आप एक्स लेके करते तो आपको थोड़ा सा टफ पड़ता, ठीक है, तो 150 का 30% इज हाउ मच, 30% अगर आप निकालोगे इसका दैट विल बी 45, इफ यू विल ऐड 45 इन 150 इट विल कम 195, सिमिलरली विड्थ इज, ब्रेथ इज 50, 5% 5, इफ यू विल ऐड इट यू विल गेट 55। अब इसका पेरीमीटर कितना होगा, इट्स पेरीमीटर, इसका पेरीमीटर आएगा अगेन 2l plus b, इसका मतलब 2 into l plus b is how much? It is 250. तो कितना हो गया? 500. यहाँ पेरीमीटर 400, यहाँ पेरीमीटर 500. कित क्या कह रहा है? पेरीमीटर कितना बड़ा? Again increasing percentage, same जो हमने अभी करा. तो ये 500 पहले कितना था? 400 was our original perimeter. बढ़ के कितना हो गया? 500 increasing percentage. क्या बोला था मैंने? Increasing percentage is equal to increased value. Red से लिखता हूँ. Increased value कितना है? 100 अपॉन स्मॉलर वैल्यू, स्मॉलर वैल्यू क्या है दोनों में से, 400 इंटू 100, 200 काट लो, 100 अपॉन 4 इज हाउ मच 25%। देखो इतना चूरन सवाल पाऊंगा हमें से, चूरन मतलब इजी इजी सवाल, ठीक है, सी इज द राइट आंसर, आगे कूदे, चलो आगे कूदते हैं। अगला सवाल क्या है, व्हाट इज द परसेंटेज डिक्रीज इन द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, अरे इफ इट्स ईच साइड इज हाफ, हर साइड को आधा कर लो, अरे ट्राइंगल वाला फॉर्मला यूज करूंगा मैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, सपोज मैंने एक ऐसा ट्राइंगल ले लिया, एक राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है कुछ भी ले लो यार, कुछ भी ले लो, क्योंकि अगेन ऑप्शंस आर गिवन इन परसेंटेज, इसको आप ले लो सपोज, व्हाट इज द परसेंटेज डिक्रीज इन द, हाँ यू कैन टेक एनीथिंग, इसको आप ले लो 2, इसको आप ले लो 4, नहीं नहीं 2 4 नहीं लूंगा मैं, छुट्टी जाएंगे ना, इसको मैं ले लो 4, इसको मैं ले लूंगा 8, ठीक है, इस ट्राइंगल को इसका एरिया कितना होगा, क्योंकि अब आपको क्या निकालना है, डिक्रीज एरिया, अच्छा इसका एरिया कितना जाएगा, एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है, तो हाफ इंटू बेस, बेस इज हाउ मच 8 इंटू हाइट इज 4, तो कितना जाएगा, ये आ गया 16 स्क्वायर यूनिट, 16 स्क्वायर यूनिट क्या आ गया, इसका एरिया आ गया। अब क्या कह रहे हो आप, अब आपसे क्या कह रहा है वो, अगर उसकी हर साइड को मैं हाफ कर दो, अच्छा ये हाइपोटेन्यूज लेने की तो जरूरत नहीं, क्योंकि एरिया में हाइपोटेन्यूज का तो कोई रोल ही नहीं है, एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट में यूज कर रहा हूँ। अब मैंने हाफ कर दिया, मैंने छोटा ट्राइंगल बना लेता हूँ ऐसे, अब मैंने 4 का 2 कर दिया, मैंने हर साइड को हाफ कर दिया, 8 का 4 कर दिया, तो जाहिर सी बात है हाइपोटेन्यूज भी छोटा हो जाएगा, लेने की जरूरत नहीं है, तो एरिया कितना हो गया, अगेन हाफ इंटू बेस, बेस इज हाउ मच 4 इंटू हाइट, 2 से 2 कैंसिल, कितना आ गया 4 स्क्वायर यूनिट, तो भैया एरिया तो कम हो गया ना, तो वो कितना परसेंटेज कम हुआ वो निकालना, अरे डिक्रीजिंग परसेंटेज, अरे बाबा मतलब 4 से वैल्यू कितनी हो रही है, नहीं 4 से नहीं हो रही, 16 से वैल्यू कितनी हो रही है, 16 आपके पास ओरिजिनल था पहले एरिया, और 16 से कितनी हो रही है 4, तो वैल्यू बढ़ रही है घट रही है, घट रही है भाई, डिक्रीजिंग परसेंटेज इज इक्वल टू डिक्रीज्ड वैल्यू, वैल्यू कितनी डिक्रीज हुई है, हाँ 12, देखो ना 12 स्क्वायर यूनिट कम हो गया। अच्छा अपॉन, जब ऊपर डिक्रीज होता है न्यूमरेटर में तो नीचे लार्जर वैल्यू, लार्जर वैल्यू हाउ मच, लार्जर वैल्यू इज 16 इंटू 100, ठीक है 4 4 जा 16 4 25 4 3 जा 12 25 into 3, 75%.
सो सिंपल, 4 3s are 4 4s and 4 75% इज द राइट आंसर. वेरी सिंपल ना. तो ये इंक्रीजिंग परसेंटेज और डिक्रीजिंग परसेंटेज वाले फॉर्मुलेज अगर आपको आते हैं, मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, डिक्रीजिंग परसेंटेज इज इक्वल टू डिक्रीज वैल्यू अपॉन, जब ऊपर डिक्रीज वैल्यू तो नीचे लार्जर वैल्यू, और ये फ्रैक्शन को अगर आपको परसेंटेज में चेंज करना है, इन 200 कर डालो बस, इसको डबल में बंद कर डालो, ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है. चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है. तो 75% इज द राइट आंसर. ओके, द वॉल्यूम ऑफ अ स्फेरिकल बलून इज इंक्रीज. स्फेरिकल बलून, अरे यार स्फेयर के फॉर्मुलेज आने चाहिए आपको. सपोज स्फेयर में आपको ऐसे बना के दिखाता हूँ, स्फेयर मैंने ऐसे बना लिया, तो आपके पास सपोज एक ये छोटा बलून है स्फेयर और एक ये बड़ा बलून है स्फेयर. इसका रेडियस सपोज स्मॉल आर है और इसका रेडियस सपोज कैपिटल आर है, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा. अच्छा 4/3 पाई आर क्यूब होता है, तो 4/3 पाई आर क्यूब स्मॉल आर आ, और यहाँ पर 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब वॉल्यूम हो गया. अब वॉल्यूम, द वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर इज इंक्रीज बाय 700% का मतलब क्या है. इंक्रीजिंग परसेंटेज इसका 700%, मतलब अगर आप इंक्रीजिंग परसेंटेज निकालोगे, कैसे निकालोगे, अरे बड़ा आसान है. इंक्रीजिंग परसेंटेज क्या होता है, इंक्रीजिंग परसेंटेज होता है इंक्रीज वैल्यू. इंक्रीज वैल्यू कैसे होगी, ये तो बड़ा वॉल्यूम है, बड़े से छोटा माइनस कर दो वैल्यू, 4/3 पाई आर क्यूब माइनस 4/3 पाई आर क्यूब स्मॉल आर क्यूब आपको. अच्छा मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ बेटा, देखो आपको क्या निकालना है, व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन इट सरफेस एरिया, ठीक है. तो सरफेस एरिया में कितना इंक्रीज हुआ है देखना, इट्स वेरी सिंपल. अच्छा ये तो इंक्रीज वैल्यू आ गई, बड़े से छोटा घटा दोगे आप, अपॉन ऊपर इंक्रीज तो नीचे स्मॉलर वैल्यू, स्मॉलर तो ये स्मॉल आर वाला स्मॉल वॉल्यूम ये है, तो 4/3 पाई आर क्यूब ऐसा आ जाएगा. अच्छा ऊपर से अगर आप 4/3 पाई कॉमन लेते हो तो ऊपर आ जाएगा आर क्यूब माइनस आर क्यूब, एक बड़ा आर क्यूब एक छोटा आर क्यूब है, अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब छोटा वाला, तो क्या कैंसिल हो गया, यहाँ पर कैंसिल हो गया 4/3 पाई 4/3 पाई, तो ऊपर क्या आ गया, मैं अगले पेज में दिखाता हूँ आपको क्या आ गया, ऐसा आ गया आर क्यूब माइनस आर क्यूब, नीचे आ गया एक सेकेंड पिछले पेज में आते हैं, हाँ कितना आ गया. अच्छा ये जो इंक्रीजिंग परसेंटेज है ये कितना दिया आपको, 700% ना, तो मैं इसको 700% इक्वल टू करता हूँ, जो भी आंसर आएगा उसको मैं 700% के से इक्वेट करूंगा. अच्छा इनटू 100 भी तो करूंगा यहाँ पर, इनटू 100, ठीक है ओके. चलो तो यहाँ पर भी इनटू 100 तो आएगा ओके. तो आर क्यूब माइनस आर क्यूब अपॉन स्मॉल आर क्यूब, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, हाँ आर क्यूब अपॉन स्मॉल आर क्यूब इनटू 100 इक्वल टू 700%, ठीक है. तो ये तो बड़ा सिंपल है बेटा, कैसे करोगे इसे, अरे 20 से 20 काट डालो ना, 20 से 20 काट डालो. अच्छा ये हो जाएगा आर क्यूब माइनस आर क्यूब इज इक्वल टू 7 आर क्यूब स्मॉल आर क्यूब, ठीक है. अच्छा यहाँ से आर क्यूब कितना जाएगा आपका, 8 आर क्यूब ना, और यहाँ से अगर आप क्यूब को वहां ले जाओगे तो क्यूब रूट, 8 का क्यूब रूट कितना होता है 2, और r का क्यूब रूट r आ जाएगा, तो ये आ गया ये रिलेशन, क्या आ गया r = 2r. अच्छा आपसे क्या पूछा है, जो दो स्फीयर थे, ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा है कि जो सरफेस एरिया में क्या चेंज आएगा. अच्छा सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, सरफेस एरिया, अच्छा सरफेस एरिया दो स्फीयर है, एक छोटा स्फीयर है एक बड़ा स्फीयर है, छोटा स्फीयर का सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर स्मॉल r वाला, ठीक है. अच्छा बड़ा का क्या है, कैपिटल आर रेडियस है, तो इसका कितना हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर. अब आपसे क्या पूछ रहा है, अब आपसे पूछ रहा है कि अगर वॉल्यूम इतना परसेंट ज्यादा है तो, ये देखो मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ, हाँ तो व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन इट सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया में इंक्रीजिंग परसेंटेज निकाल देते हैं फिर से. इंक्रीजिंग परसेंटेज इक्वल टू इंक्रीज वैल्यू, क्या होगा, बड़े सरफेस एरिया से छोटा सरफेस एरिया माइनस कर डालो, अपॉन, अच्छा इंक्रीजिंग परसेंटेज ऊपर इंक्रीज वैल्यू नीचे स्मॉलर वैल्यू ये आएगी छोटे आर वाली, इनटू 100, ठीक है, इज इक्वल टू, अच्छा 4 पाई, फिर से 4 पाई कॉमन लोगे तो 4 पाई विल गेट कैंसिल, हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इज इनटू 100. कैपिटल आर की जगह आप क्या क्या रखो, स्मॉल 2r रखोगे तो उसका स्क्वायर करोगे तो 4r² आ जाएगा, 4 स्मॉल r² माइनस आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इनटू 100, ठीक है. और ये क्या जाएगा आपका, यहाँ करता हूँ मैं, ऊपर कितना आ गया, ऊपर आ गया 3r² 3 से नीचे r कैंसिल, तो कितना आ गया 3 into 100, कितना परसेंट आ गया 300%. सो सिंपल, लगता बच्चों को टफ है, हाँ इज द राइट आंसर, लगता टफ है इजी, हाँ बस खत्म.
इतने तो सवाल है इस बार के जो आपके परसेंटेज से सीडीएस में आए हैं। देखो कितना सिंपल बेटा, ठीक है, ये आया समझ में? कुछ नहीं, फॉर्मुलेज आने चाहिए, उनको रखो तो सही, वैल्यूज यू विल फाइंड, ठीक है, 300% इज द राइट आंसर। ओके, अगले वीडियो में हम एक और टॉपिक लेंगे सीडीएस के मैथ्स का और उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। आप नीचे कमेंट्स जरूर करिएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आप चाहते हो कि इस वीडियो को थोड़ा और रिफाइन करूँ तो मुझे कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। टिल देन ऑल द बेस्ट।